हाँ मेरे प्यारे डाइट हैक्स की फैमिली, मॉनसून सीजन यहाँ है और बहुत सारे इन्फेक्शन के साथ यहाँ है, और ऐसे मौसम में हमें ऐसी ज़्यादा चीज़ों का सेवन करना है जो हमारी इम्यूनिटी को रखे चुस्त और दुरुस्त। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको एक फूड के एक से ज़्यादा फ़ायदे बता सकूँ, आपके घर के छोटों से लेकर आपके घर के बुजुर्गों तक के फ़ायदे बता सकूँ, ताकि आपको उस फूड को, नेचुरल फूड को अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पता हो और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। आज मैं आपको कुछ ऐसे मसालों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताने वाली हूँ कि आपको उनको क्यों अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, वो कौन से मसाले हैं और वो किस तरह आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाते हैं किसी भी तरह के मॉनसून के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। पर इसके साथ साथ ही ये सारे जो मसाले हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बहुत अच्छे से पुश करते हैं। मेटाबॉलिज्म को पुश करने का मतलब है कि आपके वेट लॉस और फैट लॉस में भी काफ़ी अच्छे से मदद करते हैं। तो जानते हैं वो कौन से स्पाइसेस है, हर्ब्स है, कॉन्डिमेंट्स है जो हमें यूज़ करने चाहिए अपने डाइट में, ताकि हम इम्यूनिटी को अपना चुस्त दुरुस्त रखें और मॉनसून के सारे इन्फेक्शन से खुद को बचा सके। मॉनसून की इसी श्रृंखला में ये है वीडियो आपकी खिदमत में पेश। वेलकम बैक माई डाइट हैक्स की फैमिली। आई रियली होप कि आप मॉनसून को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारे चाय के साथ, बहुत सारी चाय नहीं पीनी है आप, चाय के साथ शायद आप पकौड़े भी या भजिए भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो स्पाइसेस है वो आपने भजिए में डालिए, ताकि आपको भजिए में जो कैलोरीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को ना लगे। इसके अलावा ही जानते हैं कि किस तरह ये स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, हर्ब से हम अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो स्पाइस या मसाला मैं आपको बताने वाली हूँ वो मसाला है सिनेमन या दालचीनी। दालचीनी है उसमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने की शक्ति होती है। इसके अलावा उसमें बहुत सारा मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की वजह से ये होता है कि जो भी आपके पुराने चोटों के दर्द है, हड्डियों के दर्द है, जो इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा उभर के आते हैं, वो दर्द काफ़ी हद तक मैनेज होते हैं मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। तो आपको सिनेमन इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये आपके हड्डियों या जोड़ों के दर्द को काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है। डेफिनेटली आप दालचीनी को बहुत अलग अलग तरीके से अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं। आप चाय में डाल सकते हैं, आपकी सब्जियों में, करी में डाल सकते हैं, आप इसको अपने पानी में डाल सकते हैं, पानी फ्लेवर्ड पानी बना सकते हैं, आप काढ़ी में इसको यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दालचीनी को यूज़ करने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीक़ों से आप दालचीनी को यूज़ करके काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। पर कोई भी मसाले होते हैं वो थोड़े उग्र होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको एक लिमिट से ज़्यादा कितना भी उनका बेनिफिट हो यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपके सिस्टम को, आपकी म्यूकस लाइनिंग को, जो आपके अंदर की त्वचा है, उसको अफेक्ट कर सकता है। तो ये था पहला मसाला। दूसरे मसाले की हम बात करेंगे, वो है लौंग। लौंग जो होता है वो बहुत ही अच्छा एंटीमाइक्रोबियल फूड है। किसी भी तरह के इन्फेक्टिंग एजेंट से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा महारत है लौंग को, और लौंग में जो तेल होता है एक तरीके का मसाले के अंदर मौजूद, वो एंटी एनर्जेसिक होता है, मतलब उसमें दर्द को कम करने की क्षमता होती है। तो जोड़ों के दर्द के साथ साथ अगर आपको डेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज़ है, आपके दांतों में दर्द रहता है या इस खास मौसम में दांतों का दर्द ज़्यादा उभरता है, तो ऐसे वक्त में आपको लौंग का ज़्यादा इस्तेमाल अपने फूड में अलग अलग प्रकार से फ़ायदा पहुँचाने का काम करता है। इसके अलावा लौंग बहुत ज़्यादा वार्मथ देता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा भीग के आ रहे हैं बाहर से, तो अगर आपने अपने लिए कुछ काढ़ा बनाया है या आपने ब्लैक टी बनाई है, ग्रीन टी बनाई है, तो उसमें आप थोड़ा सा लौंग डाल के आप शरीर में जो भी ठंडक बाहर के पानी की वजह से, बरसात के पानी की वजह से आई है, उसको दूर करने का काम कर सकते हैं। तो ये है सेकेंड मसाला जो कि है लौंग। थर्ड मसाला है इलायची। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जितना भी कंजेस्ट हुआ सिस्टम है, चाहे वो कफ की वजह से हो, चाहे वो सर्दी की वजह से हो, नाक में हो, छाती में हो, नाक और छाती को जोड़ने वाले श्वास की नलिका में हो, उस करने का काम, उसको निकालने का काम, उसमें राहत देने का काम करती है इलायची। इलायची आप अपने पानी से लेके, चाय से लेके, आप अपने खाने में, अपने पुलाव में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप। इनफैक्ट जो भाप लेते हैं, स्टीम लेते हैं सर्दी हो जाने की वजह से, उसमें भी इलायची डाल के उसकी भाप ले सकते हैं। डेफिनेटली उसकी भाप लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होगी। तो जो हमारा थर्ड स्पाइस था या कॉन्डिमेंट था वो था इलायची। इसके अलावा जो फेनुग्रीक सीड्स या मेथी दाना होता है, उसमें भी बहुत अमाउंट फाइबर होता है, बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाने में भी होता है। तो मेथी दाने को भी आप अलग अलग तरीके से, कढ़ी से लेके, सब्जी से लेके,
यूज़ कर सकते हैं और अपना प्रोटीन का इनटेक बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और उसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से आपको बहुत अच्छे से इन्फेक्शन से फाइट करने में भी मदद मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे एक हर्ब की, जो कि बहुत ही जानी पहचानी हर्ब है, और वो हर्ब है हल्दी की। सूखी हल्दी को हम अपने करीज में, सब्जियों में तो यूज़ करते ही करते हैं, पर अगर आप हल्दी का दूध लेते हैं रात को तो वो भी आपको सर्दी से कफ से बचने में काफ़ी अच्छे से मदद करता है। हल्दी के गुण मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितनी ज़्यादा एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, हल्दी का दूध आपको बहुत अच्छे से हीलिंग प्रोवाइड करता है। पर हल्दी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हीलिंग में मदद करता है, वो होता है कर्क्यूमिन। और ये जो कर्क्यूमिन होता है, इसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण बॉडी में होता है काफ़ी कम। इसका अवशोषण अगर आपको बढ़ाना है तो आपको लेना पड़ेगा ये नेक्स्ट स्पाइस है ब्लैक पेपर या काली मिर्ची। जो ब्लैक पेपर या काली मिर्च है, इसमें एक कंपाउंड है पाइपरिन। ये पाइपरिन हल्दी के कंपाउंड कर्क्यूमिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। वैसे भी ब्लैक पेपर अगेन काफ़ी अच्छी एंटी माइक्रोबियल तो है ही है, पर मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने में काफ़ी अच्छे से हेल्प करती है, काफ़ी अच्छी मदद करती है वेट लॉस या फैट लॉस में भी। इसके अलावा बॉडी को अंदर से वार्मथ पहुंचाती है, और गेस व्हाट, ये जो काली मिर्च है या ग्रीन पेपर कॉर्न भी आप लेंगे, इस सीजन में होने वाली फूड पॉइजनिंग से भी बचाती है। जी हाँ, जो बरसात है उसमें बहुत जल्दी फूड आपका स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसमें आ जाते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स। अगर आपने गलती से भी ऐसा फूड खाया है तो आपकी जो पेपर कॉर्न है, आपकी काली मिर्च है, वो उससे मदद करेगी, या फिर अगर आपने खाने में ही काली मिर्च डाली है तो उसके ख़राब होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो काली मिर्च आपको फूड पॉइजनिंग से भी बचाने का काम करते हैं, तो डेफिनेटली काली मिर्च को भी इंक्लूड करें। इसके बाद जो हम हर्ब की बात करेंगे, वो भी हर्ब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस मानसून सीज़न में, और उसका नाम है अदरक। अदरक वाली चाय, हाँ, अदरक तो हम इतना ज़्यादा इस सीज़न में यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमारा गला ख़राब हो, खराश हो जाए उसमें, तो भी हम अदरक और शहद का जो जूस है वो लेके अपने ख़राब गले को ठीक कर सकते हैं। अदरक के गुण जितने गाए जाए उतनी कम है। अदरक को आप सब्जियों से लेकर, चाय से लेकर, काढ़े से लेकर आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट खा सकते हैं। अदरक में जिनसेंग नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि काफ़ी बायो एक्टिव कंपाउंड होता है, और ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। इस जिनसेंग की वजह से भी आपको बहुत सारा एंजाइम मिलता है, और वो एंजाइम आपके बेटर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, अगेन आपको वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में काफ़ी अच्छे से पुश और मदद करता है। तो ये था एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। ये शॉर्ट इसलिए कह रहे हो क्योंकि एक्चुअली हर स्पाइस के इतने ज़्यादा फायदे कि अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था आपके लिए इस खास मॉनसून सीजन में, आपको ये स्पाइसेस क्यों यूज़ करने चाहिए और किस तरीके से यूज़ करने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको दीजिए बड़ा सा थम्स अप, ज़रूर शेयर करिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबका फूड आईक्यू बढ़ सके। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेती हूँ आंडिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आप इस ख्याल को बिल्कुल डिजर्व करते हैं। शुभम भाव।